तो नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टुंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से गूगल पे फॉर मर्चेंट अकाउंट आप फ्यूल कैटेगरी में किस तरह से बना सकते हो। ये बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी होगी, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आप ईजिली बनाने के लिए सीख जाओगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपका फ्यूल मर्चेंट अकाउंट नहीं बनता है, और आप 150 जो कैशबैक लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा भीम UPI के थ्रू। तो किस तरह से करना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लेना है, या आप यहां से इस तरह से इसको बना सकते हो। जैसे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, सेटअप ऑफ बिजनेस ओनर, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे सेटअप बिजनेस ओनर वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देते हो, आपको ध्यान से देखते जाना है किस तरह से करना है। फिर आपका यहां पे मोबाइल नंबर आ जाता है, जो भी मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। फिर कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेरीफिकेशन होगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू ड्राफ्ट हम इससे पहले थोड़ा सा कर चुके थे इसलिए इस तरह का ऑप्शन आया। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टोनी दे देता हूँ, टोनी कुमार मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, और कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर बिजनेस ओनर नेम, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर टोनी दे देते हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए और कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिए करने। यहाँ पे पार्टनरशिप वाले कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना पार्टनरशिप वाला सेक्शन यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में हम टोनी कुमार दे देते हैं, और सेकंड में आप किसी का भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे इस तरह से देने के बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू वाले सेक्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाता है। अब ध्यान से देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल व फ्यूल वाला सेक्शन चूज कर लेना है। इस पे फ्यूल वाले पे 1% का कैशबैक दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप 5,000-10,000 का ट्रांजेक्शन एक बार करते हो तो आपको 100-150 का कैशबैक मिल जाता है। तो दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है, ध्यान से देखो। सी ऑल, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पेट्रोल पंप वाला सेक्शन आता है, इसको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे फ्यूल सप्लायर वाला ये वाला चूज़ कर लेना है, फ्यूल सप्लायर वाला। जैसे ही आप सेक्शन चूज़ कर लेते हो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वाला चूज़ कर लेना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर दो प्रेस, ताकि इस तरह का न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। फिर यहाँ पे आपको जो कुछ भी आपको यहाँ पे फिलअप मांगा गया, आपका पिन कोड, नेम, दुकान का नाम, या जो कुछ भी आप रखना चाहते हो, रोड नेम, आपका जो कुछ भी मांग रहा है यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो कुछ भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फिर सेलेक्ट यहाँ पे आपको कंफर्म मैप वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और कंफर्म मैप पे क्लिक कर देना, आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा लोकेशन। कंटिन्यू वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले सेक्शन पर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। जैसे कि सेलेक्ट योर सर्विस एरिया, आप कितना दूर तक सर्विस एरिया, जैसे कि मैं यहाँ पे मधेपुरा दे देता हूँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड वाला आ रहा है, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे अपलोड पैन कार्ड कर देना है। और ये GST ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हो, अगर आपके पास है तो दे सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर चुके हैं। कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको कर देना है, और कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हो, फिर थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे आपका पैन कार्ड वेरीफाई होगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा स्टेट बैंक है, जैसे मैं स्टेट बैंक चूज कर लिया हूँ, और यहाँ पर आपको IFSC कोड मांगा जाएगा, तो आपका ब्रांच का नाम क्या है। मेरे ब्रांच का नाम है मधेपुरा सिटी, तो हम यहाँ पे सिटी चूज़ कर लिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ओनर का यहाँ पे बैंक अकाउंट देना है, जो भी इस जिसमें आप पेमेंट रिसीव करोगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर सही सही आपको फिलअप करना है, FSC कोड सही सही फिलअप करने के बाद फाइंड बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से मेरा बैंक अकाउंट फाइंड हो चुका है, कंफर्म बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंफर्म बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये जो कुछ भी आ रहा है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्रिएट योर गूगल बिजनेस। यहाँ पे ये वाले सेक्शन पर आप जैसे क्लिक करके कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना अपना लोकेशन। जैसे मैं फर्स्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ मैं अपना, और जैसे हम ये वाले सेक्शन को चूज़ कर लेते हैं, और कंटिन्यू वाले सेक्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो रहा है, और यहाँ पे समरी टाइप में इस तरह से आ जाएगा। अब आपके सामने ये जो कुछ भी आ रहा है आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आपका कुछ गलती भी है, और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आप सही सही फिलअप करते हो तो आपका यहाँ पर तुरंत अप्रूवल हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देते हो तो आपका यहाँ पे नहीं होता। देख सकते हो मेरा ये क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे बैक हो जाते हैं, यहाँ पे गेटिंग अप योर बिजनेस। अब थोड़ी देर में ये मेरा वेरिफिकेशन सब कुछ हो रहा है और सब कुछ सेटअप हो रहा है, तो थोड़ी देर आपको करना क्या है, वेट कर लेना है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर दो प्लीज़, ताकि इस तरह का न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अगर आपको गूगल पे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे ढेर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, या मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो।
तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे डायरेक्ट अप्रूवल भी हो चुका है, कांग्रेस टोनी और बिजनेस इज अप्रूव्ड, मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे QR कोड भी मिल चुका होगा, ये देख सकते हो मेरा QR कोड मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा QR कोड मिल चुका है। और अब जो यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव करेंगे भीम UPI के द्वारा, और वहाँ पे हम कैशबैक पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।